फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्ट्रॉन। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल वगैरह पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगा इसका। यह है मी फिटनेस बैंड 2। वैसे आप लोगों को है कि इस टाइम तो मी फिटनेस बैंड 3 भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब तक क्या है कि वो इंडिया में आया नहीं है और इसको मैं यूज़ करते हुए कम से कम 3 महीने हो गए मुझे। और इसका रिव्यू तो बनता है, इसकी अनबॉक्सिंग में सिर्फ रिव्यू है एक तरह का। तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में आया था, इस बॉक्स में आया था ये, और बॉक्स खोलेगा नहीं, मारो बोले इसको। ये इसका चार्ज, सिर्फ इसमें एक केबल आई थी चार्जिंग केबल, इसमें लग के चार्ज होता था ये। और इसको ऐसे निकाल के ऐसे इसमें लगाते हैं तो इसको ये चीज़ चार्ज होना शुरू करता था ऐसे। इसको अपने किसी भी चार्जर में लगा दो, फास्ट चार्जर में लगा ना, बाकी मर गया। तो इसको लेने के बाद हुआ ये कि इसको मैंने लिया तो ये देख सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कुछ जैसे हार्ट रेट है, कैलरीज कितनी बर्न की, ये हार्ट रेट स्कैन कर रहा है, और बैटरी अभी 58% है, और मुझे कम से कम 20 दिन हो गए इसको चार्ज किए हुए, अभी 58% बैटरी है, मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी। ये टाइम बताती है टाइम, ठीक है। और कितने स्टेप्स चलाऊँ, बिल्कुल इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो बहुत कम चलता हूँ वैसे भी, ठीक। उसके बाद कितने दूर चलाऊँ, मतलब कितने मीटर्स वगैरह, कितने किलोमीटर चलाऊँ, कितनी कैलरीज बर्न की, साथ बहुत कम है तो वाला खा के बुरी रहेगी। तो इसको लेने के बाद हमने करना क्या होता है कि इसको जब हमने लिया, जब मैंने लिया था इसको, तो पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो है ऐप से, जो होता है मी फिट ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम ये जब होता था पेयरिंग के टाइम पे होगा, मतलब जब आपने इसको नया नया लिया है तब ये शुरू में पेयरिंग मोड में ही होगा, तो आप उस टाइम ही इसको जो है अपना दो तौर के पेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। और मी जो क्या कहते हैं उसको, मी फिट ऐप है, उसको खोल के काफ़ी क्या कहते हैं उसको यार कन्फिगर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे हो, कैसे कैसे आपको नोटिफिकेशन है, जैसे कोई कॉल आती है तो मुझे इस पर छूट जाती है, मैं सोचूँ यहाँ से उसको कट वगैरह कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और प्राइस रेंज भी अच्छी है, कोई 1700 की आई थी और काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है, काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी मस्त है, अपने प्राइस के अंदर बेस्ट है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा। और मी वॉच 3 आएगी, फिटनेस बैंड 3 जो भी है उसका नाम, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, वो फुल स्क्रीन है, लेकिन होप वो थोड़ी महंगी हो, लेकिन अब तक इंडिया में आई नहीं है, तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं या उसका वेट कर सकते हैं, वो थोड़ी इससे थोड़ी सी महंगी होगी बस, और ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा उसमें। और एक इससे नीचे वाली है जो है HRS एडिशन, और मी बैंड 1 है, वो तो अभी किसी काम का नहीं रहा क्योंकि अब स्क्रीन उसमें है नहीं, तो एक HRS एडिशन है उसको आप ले सकते हैं, वो अच्छा है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको हार्ट रेट सेंसर नहीं मिलेगा, बाकी आपको सारे सारे फीचर मिल जाएंगे, वो 1200 के करीब है, तो चाहिए चेक कीजिए खुद आप, बाकी इंटरनेट पे आप और भी उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो होप के इसके बारे में आपको हल्का फुल्का पता लगाओ, वैसे ये हल्का सा रिव्यू था इसके बारे में, और कोई मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करना, काफ़ी अच्छा है। और जो है आप अपने जो डेली रूटीन है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वैसे खाने का तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इसमें एक ड्रॉबैक है कि अगर आप किसी रफ रोड पे, या फिर आप किसी रफ रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये उसको भी कई बार स्टेप्स में काउंट कर लेता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं दिन में समझ में ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शाम तक आते आते इसके 8-9 हज़ार स्टेप्स हो गए हैं, बल्कि मैंने एक स्टेप भी चला, वो बस उन झटकों को लेके थोड़ा, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। बाकी अच्छा है, बैटरी लाइफ अभी काफ़ी अच्छी है, हार्ट रेट सेंसर भी काफ़ी अच्छा है, और बाकी तो आप MI.com जो भी MI के साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। MI का ये ना कि MI का जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल जो है जेन्युइन प्राइस के होते हैं, जितना उनका प्राइस है उस हिसाब से अच्छे भी निकल के मिल रहा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये आया था, ये जो हमारा है ना ये, हाँ ये इसके अंदर यहाँ पे ऐसे, अरे गिर गया, तो चलो छोड़ो इसको। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप लेना चाहो तो 1800 के पैसे रेंज में, अगर जो बैंड 3 होता है अगर वो 2000 या 2200 तक आए तो आप उसको लीजिए, इसको मत लीजिएगा, क्योंकि 200-300 खर्च करके, एक्स्ट्रा खर्च करके आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, इससे तो अच्छी हो जाएगी वो। और फर्मवेयर अपडेट्स आते रहते हैं इसके, मुझे 2 बार अपडेट आ गया इसका, पता नहीं क्या अपडेट करते हैं इसमें वो लोग, लेकिन अच्छी बात है कम से कम फिटनेस बैंड में अपडेट तो आ रही है।
हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए, है ना, फोन को अपडेट रखते तो फिटनेस बैठ की नहीं। तो गाइस होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, होप आपकी थोड़ी काम आई हो, तो बस इतने था, तो चलते हैं। और वैसे भी फालतू बोलते तो ठीक है, तो बाय होप। और अगर क्या यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, या फिर आपने कोई और बात पूछनी हो तो और बस है ना, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब इज मस्ट करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे ना आगे आएगा कि मैं और वीडियोज बनाऊँ, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के मैं वीडियोज कैसे बनाऊँगा, बताओ है ना, बताओ ये अंधा लड़का बनाएगा कैसे, बिना सब्सक्राइबर के कैसे वीडियोज बनाएगा। तो सब्सक्राइब करो यार, अभी नीचे रेड कलर के बटन को दबाओ, उसके साथ वाली बेल आइकन को दबाना, वो तो दबाओ नहीं दबाओ तभी होना बात होगा। वैसे मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ हफ्ते में एक अभी बार, लेकिन ट्राई करूँगा कि जल्दी डेल कर लूँ। तो बस बहुत है इतना, और वो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, चलो बाय, सी यू द नेक्स्ट मंथ, प्लीज़।